नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। नजर डालते हैं इस वक्त की पांच बड़ी खबरों की तरफ। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगर के हरवन एरिया में रविवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों के बीच एनकाउंटर की खबर मिली है। इसमें सुरक्षा बलों ने एक अज्ञात आतंकी को ढेर किया है। जानकारी के अनुसार, आपको बता दें, कश्मीर जोन पुलिस ने इसकी पूरी घटना की जानकारी ट्वीट कर दी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी राजनीतिक गठजोड़ और टेरर फंडिंग के नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूत करने में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि ANI ने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता व जिला विकास परिषद गांदरबल के उपाध्यक्ष बिलाल अहमद को पूछताछ के लिए भी तलब किया है। मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, गोवा जाएंगे, राज्य को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गोवा जाएंगे। जानकारी के अनुसार, वे यहां गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने के लिए तालेगांव के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, पीएम समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ ऑपरेशन विजय के दिग्गजों को सम्मानित करेंगे। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने वाली भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। देश में ओमिक्रॉन के 30 नए मामले मिले, कुल केस 145 हुए। दिल्ली सरकार ने उठाए बड़े कदम, चंडीगढ़ में सभी स्कूल होंगे बंद। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को 30 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक 12 मामले तेलंगाना में पाए गए, महाराष्ट्र में 8, वहीं कर्नाटक में 6 और केरल में 4 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही देश में अब तक सामने आए ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 145 हो गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 28 संक्रमित अब तक ठीक हो चुके हैं। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी, लगातार गिर रहा पारा, तो प्रदूषण से भी दिल्ली NCR हो रही परेशान। देश में शीतलहर थमने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली, यूपी, हरियाणा के साथ साथ पंजाब, ओडिशा सहित अधिकतर राज्यों में पारा लगातार गिर रहा है। जम्मू से लेकर राजस्थान तक कई राज्यों में, कई इलाकों में न्यूनतम पारा माइनस तक भी पहुंच गया है। लोगों की कपकपी छूट रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि ठंड का सितम आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड चुनाव, विजय संकल्प यात्रा के एक तीर से कई निशाने साधेगी बीजेपी। उत्तराखंड में स्थान गठित दृष्टि से पहले ही बढ़त ले चुकी बीजेपी अब विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से चुनावी माहौल बनाने में जुट गई है। आपको बता दे, इस यात्रा में वह एक तीर से कई निशाने भी साधेगी। प्रदेश में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में निकलने वाली संकल्प यात्रा के जरिए पार्टी जनता का मूड तो भापेगी ही, वहीं राज्य के 5 साल के कामकाज की भी परख ले सकती है। आपको बता दें, यात्रा के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ और उसकी पार्टी के प्रति झुकाव को लेकर आकलन भी किया जाएगा। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।